आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एसी वायर एंड डीसी वायर, मतलब कि एसी वायर और डीसी वायर में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह प्रश्न आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप आपके घर पे कभी सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पे डीसी करंट की सप्लाई पे वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपको डीसी वायर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उस समय हमारे बीच में एसी वायर और डीसी वायर इन दोनों में क्या अंतर होता है, इससे जुड़े कई सवाल पैदा हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि हमारा जो एसी वायर होता है और हमारा डीसी वायर होता है, इन दोनों में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। आप ऐसा भी जो एसी वायर जो होता है उस एसी वायर को भी डीसी वायर की जगह उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जहां पर हमको लंबे समय तक डीसी करंट को फ्लो कराना होता है वहां पे हमको प्रेफर किया जाता है कि हम वहां पे डीसी वायर का ही उपयोग ले। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से आप यह पहचान पाएंगे कि आखिर यह डीसी वायर है या फिर हमारा एसी वायर है। तो दोस्तों पहला और सबसे मुख्य अंतर एसी वायर और डीसी वायर में यह होता है कि आप इनके इंसुलेशन को देख के आप पता कर सकते हो कि यह हमारा डीसी वायर है या फिर एसी वायर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यह आपके सामने एक वायर है। अब आपको यह वायर कैसा देखने को दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल हमारे एसी वायर की तरह ही दिख रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, ये हमारा एसी ही वायर है जो कि हमारे घरों में उपयोग लिया जाता है, ये हमारा वही एसी वायर है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें कि आखिर डीसी वायर किस तरीके का होता है, तो कभी भी आपके सामने से दो वायर रखे हो, ये एक एसी का और एक डीसी का, तो आप उसमें कैसे पहचानेंगे? तो एसी वायर के अंदर आपको जो इंसुलेशन देखने को मिलेगा वो इंसुलेशन हमेशा सिर्फ सिंगल होगा। जैसे कि आपको ये वायर दिख रहा है, इस वायर पे आपको आगे की साइड तो आपको यहाँ पे कंडक्टर दिख रहा है जो कि कॉपर है। इस कॉपर के ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसुलेशन देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप डीसी वायर को गौर से देखोगे तो हमारा ये कॉपर है, इस कॉपर के ऊपर सबसे पहले एक कोटिंग होगी, इस कोटिंग के ऊपर भी एक और कोटिंग होगी, मतलब कि हमारे डीसी वायर पे डबल कोटिंग की जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो डीसी वायर होता है वो डीसी वायर हमारा डबल इंसुलेटेड होता है। यहाँ दोस्तों डीसी वायर में एक एक्स्ट्रा कोटिंग जो दी जाती है वो हमारे एक तरीके की प्लास्टिक कवर कहलाती है, और यह प्लास्टिक कवर हमारे जो डीसी वायर होता है इस डीसी वायर को एक्स्ट्रा सेफ्टी देते हैं। किसके थ्रू देते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी? ये देते हैं हमारे टेम्परेचर के थ्रू, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो वायर होगा, जो हमारा डीसी वायर है, वो डीसी वायर हमारा बिल्कुल आउटडोर में ही पड़ा रहता है, पूरे दिन छत के ऊपर रहेगा अगर हमने सोलर पैनल लगाए, तो उस समय क्या होगा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पर उसको डबल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है। इसलिए डीसी वायर पे हमेशा आपको डबल कोटिंग देखने को मिलेगी। तो पहला डिफरेंस आप इसके इंसुलेशन को देखे पता कर सकते हो कि कौन सा एसी वायर है और कौन सा डीसी वायर है। अब इसके बाद में दोस्तों सेकंड डिफरेंस पे आते हैं कि हमारे पास में एक एसी वायर रखा हुआ है और एक डीसी वायर रखा हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा एसी है और कौन सा डीसी है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके कंडक्टर को देखेंगे। अभी आपको ये दिख रहा है ये एसी का वायर है, इस एसी के वायर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के इतने सारे कंडक्टर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिल्कुल सेम साइज के डीसी वायर को देखोगे तो डीसी वायर के अंदर जो कंडक्टर होंगे, अंदर के जो ये कंडक्टर होंगे, ये कंडक्टर हमारे थिन होंगे, मतलब कि हमारा जो एसी वायर है, इस एसी वायर का अगर मैं एक कंडक्टर को निकालता हूं तो ये जो कंडक्टर कॉपर का ये थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, जबकि हमारा डीसी वायर अगर सेम साइज का है तो उसका जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर हमारा बारीक होगा, और हमारे जो कंडक्टर की संख्या होगी, जो अंदर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारे टोटल जो ज्यादा होंगे डीसी वायर के अंदर, क्योंकि एक कंडक्टर जो होता है वो हमारा पतला पतला होता है। तो सेकंड डिफरेंस हमारा यही है कि हमारा जो डीसी वायर होता है उस डीसी वायर में एसी वायर के मुकाबले हमारे जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर ज्यादा थिन होते हैं। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे कोटिंग के ऊपर। आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भी डीसी वायर होते हैं उस डीसी वायर के ऊपर हमारे एक अलग प्रकार की कोटिंग की जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये आपको एक कंडक्टर जो अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारे इस वायर के अंदर एक कंडक्टर, ये दो कंडक्टर, तो जितने भी कंडक्टर है ना ये पतले पतले, इस कंडक्टर के ऊपर हमारी कोटिंग की जाती है। अब ये कोटिंग किसकी होती है, तो हमारी ये कोटिंग होती है हमारी जिंक की, जिंक के द्वारा कोटिंग की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम डीसी वायर को देखते हैं ना, तो डीसी वायर आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि वो हमारा एल्यूमिनियम का है, जबकि हमारे डीसी सिस्टम के अंदर भी एसी सिस्टम की तरह हम ज्यादातर कॉपर के ही वायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डीसी वायर को देखोगे तो डीसी वायर आपको दिखने में लगेगा एल्यूमिनियम का। अब वो डीसी वायर हमारा एल्यूमिनियम का देखने में क्यों लगता है, क्योंकि उस डीसी वायर के ऊपर हमारे जिंक की कोटिंग होती है, होगा तो वो अंदर से कॉपर का ही, लेकिन इस कॉपर के कंडक्टर के ऊपर हमारे जिंक की कोटिंग की जाती है। अब ये जिंक की कोटिंग किस वजह से की जाती है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज इसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, रस्ट प्रूफ मतलब इस कॉपर वायर पे हमारे जंग ना लगे, इस जंग से बचने के लिए हमारी जिंक की कोटिंग की जाती है। इसी के साथ साथ ऐसी और भी कई सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से हमारे डीसी वायर पे जिंक की कोटिंग की जाती है। तो हमारा तीसरा डिफरेंस ये कि हमारा जो डीसी वायर होता है वो हमारा जिंक कोटेड होता है।
अब दोस्तों इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। ये पॉइंट हमारा कोई ऐसा मेन डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक सेफ्टी के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो डीसी वायर होता है वो डीसी वायर को हमेशा ज्यादातर आउटसाइड ही रखा जाता है, जैसे कि छत के ऊपर या फिर इसी प्रकार से हमारे डीसी वायर को ज्यादातर हमारे ज्यादा टेम्परेचर को झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से हमारे डीसी वायर के ऊपर यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब ये यूवी प्रोटेक्शन क्या है, तो हम सभी को पता है सूरज से जो किरणें निकलती है वो होती है अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसी यूवी लाइट से बचने के लिए हमारी कुछ ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो कि हमारे वायर पे होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो डीसी वायर होते हैं वो डीसी वायर टीयूवी प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हम भविष्य में डीसी वायर को लगा रहे हैं तो वह हमारा डीसी वायर टीयूवी सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों डीसी वायर पर हमें एक और सर्टिफिकेशन देखनी चाहिए कि हमारा जो डीसी वायर है वो डीसी वायर एमएनआरई सर्टिफाइड है या नहीं है। तो आगे से आपको इन दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है, एक तो टीयूवी और सेकंड एमएनआरई सर्टिफाइड। दोस्तों अभी तक हमने मुख्य डिफरेंस एसी वायर और डीसी वायर के बीच में जान तो लिए हैं, लेकिन दोस्तों अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मैं मेरे घर पे डीसी वायर को लगाना चाहता हूँ तो आखिर मैं कितनी साइज की डीसी वायर को लगाऊं, इसकी क्या कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों देखिए वायर की कैलकुलेशन करना हमेशा से एक लंबा प्रोसेस है, पर हमारे डीसी वायर की कैलकुलेशन के लिए एक थंब रूल काम आता है। अगर आप आपके घर पे या फिर किसी दुकान पे एक डीसी सिस्टम लगा रहे हैं और आपको वहां पे डीसी वायर की जरूरत पड़ रही है तो उस समय आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी। तो दोस्तों देखिए कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा आसान है। आपके जितने भी एम्पियर है, जो भी आपके डीसी के एम्पियर है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक 3 किलोवाट का सोलर पैनल है। अभी 3 किलोवाट का सोलर पैनल, मैं आइडिया लगा लेता हूं कि हमारे 3 किलोवाट का सोलर 27 एम्पियर के आसपास का करंट हमें दे रहा है। तो दोस्तों आप जो भी हमारे ये एम्पियर निकल के आते हैं, चाहे आपके पास 27 हो या फिर आपके पास 20 एम्पियर हो, जितने भी एम्पियर है उस एम्पियर के अंदर आप भाग कर दीजिए 5 का। ये हमारे एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारे अगर अधिकतर एक कंपनी के हिसाब से अगर हमको कैलकुलेशन करनी है तो उस समय एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम थंब रूल की बात करें जो कि हम छोटे मोटे तौर पर कर लेते हैं, जैसे घरों के अंदर किसी छोटी मोटी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट एम्पियर के अंदर 5 का भाग लगा देंगे और उसके बाद में जितनी भी साइज आएगी, जैसे कि 20 एम्पियर है तो 20 के अंदर मैंने 5 का भाग लगाया, तो यहाँ पर जो मेरे को वायर को लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 4 mm² का। तो जो सिंपल सी बात ये है कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 1 square mm की डीसी वायर हमारे 5 एम्पियर तक के करंट को झेल सकता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसी की मदद से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको कितने स्क्वायर एमएम की केबल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आप इसी तरीके की और भी नॉलेज हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जुड़ सकते हो, जिसका नाम है www.engineeringdosh.com। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।